अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 2.14 एक्सरसाइज को, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर ये है, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारे पास है 2 raised to power 6। इसको पढ़ना आपने किस तरह से है, 2 raised to power 6, यानी कि जो नंबर यहाँ पर आएगा उसको पढ़ेंगे raised to power। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बताना है कि इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बेस है और कौन सा नंबर एक्सपोनेंट है, या पावर के लिए पावर का वर्ड भी आप यूज़ करते हैं फॉर एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल मैं आपको पहले समझाऊंगा। जैसे आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है, तो जो स्टोरी सबसे नीचे आती है उसको बोलते हैं बेसमेंट या बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर्स के केस के अंदर भी जो नंबर नीचे आएगा उसको बोलेंगे बेस, ठीक है। और पावर क्या होती है, पावर जब भी आती है तो वो बंदा या इंसान या जो वो चीज़ ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ जो नंबर ऊपर है उसको बोलेंगे वो पावर है या उसकी एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर आपके पास बेस क्या होगा, बेस में जो नंबर आएगा वो होगा 2, बिकॉज वो नीचे है, बेस इज 2। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा या पावर जो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो होगा नंबर 6, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेस में और एक्सपोनेंट में, जो चीज़ नीचे आएगी उसको बेस बोलते हैं और जो चीज़ ऊपर जाएगी जो ऊपर नंबर है उसको बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, अगर उसको देखें तो हमारे पास है यहाँ पर b raised to power 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी आलमोस्ट वैसा ही है, बस आपने बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर। तो b raised to power 2 यहाँ पर हमें गिवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें बेस क्या होगी, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, कोई नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, वो बेस होता है। तो b यहाँ पर बेस होगा और एक्सपोनेंट यहाँ पर जो आएगा वो क्या बनेगा, वो होगा 2, दैट्स इट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेस का और एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो इसके बाकी के पार्ट्स बस आपने ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने प्रॉपरली इनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर आपने करना यह है कि इनको आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 3 raised to power 4, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए बेस की जो पावर होगी ना, आपने उस बेस को उतने टाइम अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई, यानी कि बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बेस हमारे पास 3 है ये अपने साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो आप इसको इस वे में लिख लें पहले, तो ये हमारे पास बनेगा 3 multiplied by 3 into 3। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारे पास आ जाएगा 81, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह आपने किसी पावर को एक्सप्रेस करना है उसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है 7 raised to power 3, इसको अगर हम सॉल्व करें 7 raised to power 3, तो ये आपके पास नंबर बेस में 7 है और एक्सपोनेंट के अंदर 3 है। तो आपने यहाँ पर 7 को अपने साथ ही 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई, 7 into 7 into 7, तो ये हमारे पास आएगा 200, या आप कह लें कि 343, ठीक है, 343, ये हमारे पास इसका आएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद है नंबर, अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास होगा 2 raised to power 8, मतलब आपने करना क्या, 2 को आपने 8 टाइम्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब आप 2 को 8 टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 into 2 3 4 5 6 7 and 8। जब आप इन तमाम 2s को अपने साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आंसर हमें देगा 256, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एवेल्युएट कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं, वो हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 3 की बात करें तो उसमें आपने वापस पावर फॉर्म में आना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना आंसर, ठीक है। तो वो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर गिवन है वो है 5, 4 टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है,
यानी कि आपको अब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने वापस इस फॉर्म में आना है, पावर फॉर्म में आंसर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, ओके। तो जो नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है वो बेस बनेगा, ठीक है। नंबर हमारे पास क्या 5 है। अब ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ ही काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, तो 4 आप इसकी पावर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये इसकी बन गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, या पावर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इसका पार्ट अगर हम देखें वो हमारे पास है 3 × 3, तो 3 हमारे पास 6 टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 × 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 टाइम हो गया, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या बनेगी, बेस हमारे पास 3 है बिकॉज 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा 3। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे पावर में 6 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, आई होप सो कि आप इसके बाद एक इसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर 2 बेस हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको प्रॉपरली हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यू मल्टीप्लाई बाई यू इंटू यू, फिर वी इंटू वी है। देखिए जो हमारे पास बेसिस सेम, जहाँ पर नंबर सेम है, ठीक है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, आप इस यू को एक बार लिखें और ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3 टाइम, तो आप इसकी पावर में 3 लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है, इंटू। और v हमारे पास 2 टाइम आएगा, तो v इंटू वी क्या होगा, v स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इट। अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट आ जाए तो फिर आपने उनको अपनी अलग अलग बेस में पावर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है, 5, 7 × 7, उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, ठीक है, तो 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 7 की जो पावर यहाँ पर लिखेंगे लगाएंगे वो 2 होगी, इंटू 11 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ ही 4 टाइम, तो 11 रेज पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है 6 पार्ट, उसको अगर हम सॉल्व करें उसमें हमें गिवन जो नंबर्स हैं a × a × a, देन c मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम अपने साथ ही, c × c, c × c, देन लास्ट पे d आ रहा है, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो आपने यहाँ पर a की जो पावर है वो 3 लिखनी है, a रेज पावर 3 इंटू c रेज पावर 4 आएगा, बिकॉज c अपने साथ ही 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लिखें c रेज पावर 4, और d 1 टाइम ये, तो आप साथ में d लिख दें, वैसे इसकी पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, जो हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन जो 4 है उसमें आपने करना यहाँ पर ये है कि आपको जो नंबर गिवन है, ठीक है, आपने इनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 343, ओके। इसको वैसे हमने एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था, ठीक है, अच्छा। आपने करना है कि अगर आपको क्वेश्चन आए एक नंबर की फॉर्म में और आपको कहा यह जाए कि आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपने सिंपल उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। अब नंबर हमारे पास है 343, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे पहले, तो आप इस यहाँ पर सिंपल करें इस वे में, इसको प्राइम फैक्टराइज 343 को हमने करना है। अब ये नंबर डिवाइड होगा 7 पर, 7, ठीक है, और 7 आपके पास ये आएगा 7 × 4 = 28, बच गए हमारे पास 6, 63 बना, 7 × 9 = 63 होता है, दैट्स इट, और फिर 7, 7 = 7, फिर 1 = 1, ये हमारे पास आ गई। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बने, 7, 7 और 7, तो यहाँ पे लिखें 343 इक्वल आ गया है 7 × 7 × 7, ठीक है। और अगर एक नंबर अपने साथ ही मोर देन 1 टाइम मल्टीप्लाई हो तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह से, 7 हमारे पास बेस आएगी और पावर में क्या आएगा, 1, 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि 343 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, 7 रेज पावर 3 बनती है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है 512, इसको हमने यहाँ पर फैक्टराइज करके इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो 512
तो ये आपके पास अगेन इसको आप प्राइम फैक्टराइज करें यहाँ पर बिल्कुल ऐसे वैसे ही 512 इवन नंबर है, 2 पर होगा डिवाइड, तो 2 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 है, 2 का टेबल पढ़ें 5 से लेस आंसर कब आता है 2 to the 4, तो यहाँ पे आएगा 2 1 बच गया 10 11 बन गया, 2 5 ज़ा 10 फिर 1 बच गया 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, फिर आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज इवन नंबर है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, देन 2 पे करें फिर इसको 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 32 ज़ा, और फिर हमारे पास ये आएगा 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा एंड देन 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई अपने साथ, ठीक है, तो 512 के जो फैक्टर बनेंगे वो आएंगे 2 को आप करें 9 टाइम्स अपने साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ ही 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर जो बनेगी वो बनेगी 9, 2 रेज पावर 9, ये हमारे पास आ गई है 512 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो हमें गिवन है यहाँ पर 729, ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास है 3125, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पर फोर्थ पार्ट ये होगा 3125 है, लास्ट पे अगर 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 पे, ठीक है, तो आपने इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो स्टार्ट करनी है नंबर 5 से, सो 3125, सो 5 पे करें स्टार्ट इसको, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे करेंगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 25 ज़ा होता है, और फिर 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 5 अपने साथ ही, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3125 इक्वल आएगा 5 into 5 into 5 एंड लास्ट पे फिर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 अपने साथ ही 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 raised to power 5, और वो किसके इक्वल होता है 3125 के। ये हमारे पास था बड़ा लास्ट क्वेश्चन, अगर इसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारे पास है 729, इसको भी हम यहाँ पर अगर देख लें जल्दी से, ठीक है, 729, ठीक है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 3 पर, ठीक है, 729, 3 पे आप करें स्टार्ट तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद हमारे पास ये आएगा 3 पे फिर करें 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 1 ज़ा 3, देन 3 पे करेंगे 3 आपके पास यहाँ पे आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा एंड देन 3 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो यहाँ पर ये बनेगा 3 raised to power 6, ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस किया वो आपने खुद इस फॉर्म में लिखने के बाद आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2.14, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करना 1.2.15। अल्लाह हाफिज़।